ब्राज़ील के लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेले ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से की। 18 दिसंबर को उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के बाद अर्जेंटाइन की टीम की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर की। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि मेसी ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। उन्होंने मेसी को मुखातिब करते हुए कहा, आप इसके हकदार थे। अपने पैगाम में लेजेंड फुटबॉलर ने लिखा, मुबारक हो अर्जेंटाइन, यकीनन डिएगो अब मुस्कुरा रहा है। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद लिखा कि वो नाकाबले यकीन कारकर्दगी दिखाने पर मराकश को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। पिले का कहना था कि अफ्रीका को फुटबॉल के मैदान में चमकता हुआ देखना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। लेजेंड फुटबॉलर पेले के इंतकाल के बाद मेसी ने अपने पैगाम में लिखा, रेस्ट इन पीस पेले। उन्होंने अपने पैगाम के साथ लेजेंड फुटबॉलर पेले की चंद यादगार तस्वीर भी शेयर की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पैगाम पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने ब्राज़ीलियन लेजेंड के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। रोनाल्डो ने अपने पैगाम में लिखा, वो तमाम ब्राज़ील के साथ और ख़ास तौर पर लेजेंड पीले के ख़ानदान के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। रोनाल्डो ने अपने पैगाम में लिखा कि किंग पेले को महज अलविदा कह देना इस दर्द के इजहार के लिए काफ़ी नहीं होगा जो इस वक्त फुटबॉल की पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। रोनाल्डो लिखते हैं कि पेले लाखों लोगों के लिए एक तहरीक थे, कल भी, आज भी और हमेशा के लिए। रोनाल्डो लिखते हैं कि पेले ने उनके लिए जिस प्यार का इजहार किया वो इसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। रोनाल्डो का कहना है कि पेले की यादें हमेशा फुटबॉल से मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। मारूफ बॉक्सर माइक टाइसन ने अपने पैगाम में लिखा कि उन्होंने 21 साल की उम्र में इस अजीम खिलाड़ी से मुलाकात की थी जो आज भी उनके लिए एक ख्वाब की मानंद है। माइक टाइसन कहते हैं कि पेले एक पुरजोश और मेहरबान शख्स थे, हर कोई उनकी तारीफ ही करता है। रेस्ट इन पीस पेले। ब्राज़ील के खिलाड़ी नीमार का कहना है कि उन्होंने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर यह खूबसूरत जुमला पढ़ा था कि पेले से पहले नंबर 10 सिर्फ एक अदद था। नीमार कहते हैं कि यह जुमला नामुकम्मल है, मैं कहूँगा कि पेले से पहले फुटबॉल सिर्फ एक खेल था, पेले ने यह सब बदल दिया है। नीमार का कहना है कि पेले ने फुटबॉल को एक आर्ट और तफरीह में बदल दिया। नीमार कहते हैं कि पेले ने गरीबों और स्याफामों को आवाज़ दी और ख़ास तौर पर उन्होंने ब्राज़ील का नाम फुटबॉल की दुनिया में रोशन कर दिया। नीमार समझते हैं कि फुटबॉल और ब्राज़ील दोनों ही ने किंग पेले की बदौलत बुलंदी हासिल की। नीमार कहते हैं कि पेले चले गए लेकिन उनका जादू आज भी बाकी है।